हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो 11th क्लास के अंदर आए हैं बिकॉज यू पास द क्लास 10th एंड आई थिंक यू ऑल ऑफ आर ब्रिलियंट। सबसे पहले बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आई एम द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, माई सेल्फ अंकुर मेहता। और चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो पूरा स्टेटिक्स आएगा, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको अपन सांख्यिकी बोलते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमी है, पूरा इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था की किस तरीके से इंडिया की कंडीशंस पहले कैसी थी, अपनी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो आपने सब्जेक्ट लिया, इससे आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा कि अपनी इंडियन इकोनॉमी चल कैसे रही है, दूसरी कंट्री से हमारा हम कौन सी कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। जैसे आप डेवलपिंग कंट्रीज, आपने नाम सुना होगा, डेवलप्ड कंट्री सुना होगा, तो ये होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्या मैटर है। ये इकोनॉमिक्स जो है अपन बताते हैं, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, अभी बेरोजगारी ज़्यादा है, पॉवर्टीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक के ऊपर बेस है। मतलब ये एक रियल लाइफ सिचुएशन से आपको कनेक्ट करके चलती है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, इज नेम इज मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का, क्या डेफिनेशन कौन कौन सी है इकोनॉमिक्स की। मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको देना दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है या कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट। आपने एक नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर एक नाम था कौटिल्य, ठीक है, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं। तो वो कौटिल्य जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से ये इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो आया वो लेकर के आया। लेकिन ही इज नॉट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वाई, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को कनेक्ट करते हुए इकोनॉमिक्स एक बुक लिखी थी। लेकिन आज जो है इकोनॉमिक की पूरी बुक ही अलग चल रही है, ये कोई पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट नहीं है, बट ये सोशल साइंस से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो अभी अपन जो कनेक्ट करके चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देख लो ओकोनोमिया। ये एक सेंटेंस है, ग्रीक सेंटेंस है ओकोनोमिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट ओकोनोमिया जो एक सेंटेंस है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट जिसका होता है, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अपने घर का मैनेजमेंट करता है, अपने पैसों को कैसे खर्च करता है, अपनी नीड को कैसे कंप्लीट करता है, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स को ओकोनोमिया एक ग्रीक सेंटेंस से इंडिकेट किया गया है, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, पहला। सेकेंड बात करते हैं, सैमुएलसन जो है एक इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए क्वीन, मतलब रानी के रूप में कहा जा सकता है, सोशल साइंस की रानी कौन है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं एक एक नंबर में, इस तरीके के पूछे जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी लाइन है जिनको दिमाग में रख लेना। अभी मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बहुत टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती चली गई है। कोई बोलता है कि ये जो है वेल्थ को इम्पोर्टेंस दे करके चलता है, कोई बोलता है ये ह्यूमन बिहेवियर को लेके चलता है, कुछ ह्यूमन वेलफेयर को लेके चलते हैं, कुछ ग्रोथ को लेके चलते हैं, कुछ बोलते हैं कि कोई भी वांट कंप्लीट कर लो, अपनी सारी वांट्स को लिमिटेड कर लो, उससे आप इकोनॉमिक्स को इंडिकेट कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चेंज होती गई है। द फर्स्ट इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है ये किसने दी, आपको ध्यान रखना है, ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जा सकते हैं, इनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा वेल्थ की स्टडी करती है। वेल्थ क्या होती है, धन, ठीक है, संपत्ति जिसको बोलते हैं वो। नेक्स्ट 1890 के अंदर इनकी डेफिनेशंस में बहुत सारी क्रिटिसाइज की गई इनकी डेफिनेशंस की, और फिर जो आए थे नेक्स्ट आए थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने 1890 के अंदर इनकी डेफिनेशंस की क्रिटिसाइज करी और नेक्स्ट अपनी एक डेफिनेशंस लेके आया, जिसको बोला गया वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, वेलफेयर, ठीक है। फिर मैं बात करूं 1932 के अंदर इनकी कुछ डेफिनेशंस की क्रिटिसाइज करते हुए एक लेडी है जिनका नाम है रॉबिन्स, ठीक है। रॉबिन्स एक लेडी है, इकोनॉमिस्ट है वो भी, उन्होंने 1932 के अंदर स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, स्केयरसिटी। इन सारी डेफिनेशनों को अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो क्या क्या चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट है 1957 के अंदर वॉन्टलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये मेरे रिलेटिव नहीं है लेकिन मेरा नाम इनसे कनेक्ट हो रहा है, देखो ये कौन है, जे के मेहता, ठीक है।
अंकुर मेहता से रिलेट बिल्कुल मत कर लेना इनको, नाम याद करना हो तो भली कर लेना। वॉन्टलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशंस, ये कब है? 1957 के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ 1964 के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, कौन सी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये थे सैमुएलसन, ये यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये जो सैमुएलसन है जिन्होंने द क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला है इकोनॉमिक्स को, उन्हीं के अकॉर्डिंग ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था,